अस्सलातु वस्सलामु अलैक या सय्यदी या रसूलल्लाह व आला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। आफ्ताब गनी मुन्निम उर्दू आफ्ताब के साथ यूट्यूब चैनल में आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आपके इल्म में है कि उर्दू के हवाले से लेक्चर्स आपकी खिदमत में पेश किए जाते हैं। ये ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए ये लेक्चर्स हैं जो नहम दहम और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के तालिबे इल्म हैं। लेकिन उसके अलावा जो आज का लेक्चर है, इसकी ख़ास बात यह है कि उर्दू से मोहब्बत करने वालों के लिए ये बहुत अहम है, जिन्हें लिखने का शौक़ है, जो क्रिएटिव राइटिंग करते हैं। इसके अलावा ख़ास तौर से पेपर के हवाले से कि पेपर में अच्छे नंबर लेने के लिए रमूज़े औकाफ़ से वाकफियत बहुत ज़रूरी है। सो आज हमने ये तय किया कि रमूज़े औकाफ़ पर हम बात करेंगे। मैं नहायत माज़रत खा हूँ लेक्चर को छोटा रखने के लिए, मुख्तसर रखने के लिए मुझे बहुत जो है वो तेज़ तेज़ बोलना पड़ेगा, इसीलिए मैंने जो है वो ये लिख कर आपके सामने रख दिया है ताकि जो बात मेरे बोलने से आपको समझना है वो यहाँ से आप उठा सकते हैं, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। देखिए, रमूज़े औकाफ़ जो हैं वो तहरीर में हुस्न पैदा करने के लिए ये वो अलामतें होती है। देखिए, जैसे आप देख रहे हैं कि लुगवी माना इसके जो हैं, रमूज़ रम्ज़ की जमा है जिसके मानी छुपी हुई या राज की बात कहें। इसके अलावा इसका मतलब अलामत या निशान भी है। औकाफ़ वक्फ की जमा है जिसका मतलब रुकना या ठहरना है। इस्तलाही मानों में रमूज़े औकाफ़ उन अलामतों को कहते हैं जो एक जुमले को दूसरे जुमले या जुमले के किसी एक हिस्से को दूसरे हिस्से से अलहदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो आमतौर पर उर्दू जुबान में जो मुस्तमिल अलामतें हैं उनका जिक्र हम करेंगे। सबसे पहले हमारे पास अलामत है सकता। सकता की तारीफ देख लीजिए, ये छोटा सा वक्फा या ठहराव है। जुमले में जहाँ ये अलामत आए वहाँ ज़रा ठहरना चाहिए जी, इसे वक्फे खफीफ भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? किसी जुमले में दो या दो से ज़ायद असमा के दरमियान सकता की अलामत इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह किसी जुमले में दो या दो से ज़ायद ज़मायर के दरमियान भी सकता की अलामत आ सकती है। इसके इस्तेमाल आपने देख लेने हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा भी देख लीजिएगा, किसी जुमले में दो से ज़्यादा सिफात या औसाफ के दरमियान सकता की अलामत इस्तेमाल की जाती है। मसलन, दरिया नीलम का पानी ठंडा, मीठा, गहरा और शफाफ है। शर्तिया जुमलों में सकता की अलामत इस्तेमाल की जाती है, यानी अगर तुम मेहनत करते कामयाब हो जाते। मुखातिब को असल इबारत से अलग करने के लिए सकता की अलामत इस्तेमाल की जाती है। अल्लाह के बंदो, आखिरत की फिक्र करो। अब अल्लाह के बंदो, जब हम मुखातिब करेंगे मुखातिब की भी अलामत आ सकती है, वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। इसी तरह एक अलामत है वक्फा। वक्फा में सकता से जरा ज्यादा ठहराव की जरूरत होती है। किसी भी जुमले में जहां सकता से ज्यादा ठहराव की जरूरत हो वहां वक्फा की अलामत इस्तेमाल की जाती है। और किसी बड़े जुमले में मौजूद कई छोटे जुमलों को अलग करने के लिए वक्फा की अलामत इस्तेमाल होती है। दूध एक मुकम्मल गिज़ा है, ये हमारी प्यास बुझाता है, इससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसी तरह आप अगले जुमले की मिसाल भी जो है नीचे है वो देख लीजिएगा। फिर आ गई अलामत राबता की। जुमले में जहां वक्फा से ज्यादा ठहराव की जरूरत हो वहां राबता की अलामत इस्तेमाल की जाती है। मिसाल के तौर पे जब किसी का कॉल नकल करना है तो राबता की अलामत इस्तेमाल करेंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज जन्नत की कुंजी है। ये इसके वावैन क्यों लगे वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। इसी तरह दीगर मिसालें भी आप देख सकते हैं। फिर एक अलामत है तफसीलिया। अलामत आपके सामने है तफसीलिया, ये अपने नाम से ही जाहिर कर रही है, किसी बात की तफसील बयान करते वक्त इसका इस्तेमाल होता है। ये उस वक्त या उस वक्त जब किसी तवील इक्तबास को पेश करना हो या फहरिस्त देना हो। जैसे देखिए, पाकिस्तान के मशहूर शहर दर्ज झैल हैं, इसके बाद हमने क्या लगाया? तफसीलिया। नीचे हमने जो है वो शहरों के नाम लिख दिए ज़िमनी उन्वानात के बाद। जैसे देखिएगा, आबी आलूदगी, यानी आबी आलूदगी के बाद हमने तफसीलिया लगाया है, इसलिए लगाया है ताकि जब हम आगे चलें इसकी तफसील हम पेश करें। अच्छा, इसके बाद जो अलामत है वो है खत्मा की अलामत। खत्मा मुकम्मल ठहराव के लिए इस्तेमाल होती है। ये अलामत भरपूर ठहराव को जाहिर करती है। जुमले के मुकम्मल या खत्म होने के बाद खत्मा की अलामत इस्तेमाल की जाती है, यानी जब बात आपकी मुकम्मल हो जाए, जब आपकी बात पूरी हो जाए तो हम खत्मा की अलामत इस्तेमाल करेंगे। जैसे नमाज दीन का सुतून है, इसके बाद खत्मा। माँ के कदमों तले जन्नत है, इसके बाद भी खत्मा। अच्छा, मुखफफात यानी एब्रीवेशंस के दरमियान खत्मा की अलामत लगाई जाती है, जैसे एमए, एमफिल, पीएचडी, एमबीबीएस, बीए। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ रही होगी। खत्मा के बाद जो अलामत हमारे पास है वो है सवालिया। अब सवालिया क्या है जी? सवालिया की अलामत सवालिया लफ्जों, जुमलों या फिक्रों के आखिर में लगाई जाती है। अलामत इसकी आपके सामने है। इस्तेमाल आप इसका जो है वो कैसे कर सकते हैं? मसलन किसी से आप पूछ रहे हैं कि आप क्या काम करते हैं, तुम्हारी तबीयत कैसी है, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, तो ये सवालिया की अलामत आपके सामने है।
इसके बाद आ गया फिजाइया। ये अलामत ऐसे जुमलों के आखिर में लगाते हैं जिनमें जज्बातों कैफियात यानी गुस्सा, हकारत, हैरत, खुशी, खौफ या दुख वगैरह का इजहार किया गया हो। अलामत आप देख सकते हैं, वो आपके सामने है जी। देखिए इस्तेमाल देखिएगा, आहा पाकिस्तान मैच जीत गया, इसमें खुशी का इजहार है। तुम्हारी औकात ही क्या है, इसमें गुस्से का, नफरत का इजहार है। अरे सांप सांप सांप, इसमें हैरत का इजहार है, यानी सांप से जो है वो खौफजदा हो गए। और फिर निदाइया। अब निदाइया और फिजाइया इस्तजाबिया की अलामत एक ही है, लेकिन निदा का मतलब है आवाज लगाना, किसी को बुलाना, किसी को पुकारना। तो हम ये कह सकते हैं कि जब किसी को बुलाया, पुकारा या मुखातिब किया जाए तो निदाइया की अलामत इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ए अल्लाह हमारी मदद फरमा, फरीहा इधर आओ, जनाब सदर मेरी तकरीर का उन्वान है। यानी जब आप किसी को मुखातिब करते हैं तो निदाइया की अलामत लगाते हैं। अगली अलामत हमारे पास है कौसैन। ये ब्रैकेट है जी, ये जुमला मोतरजा के दोनों तरफ आती है। अब जुमला मोतरजा क्या है, यानी ऐसा ऐसी कोई बात आ जाए असल तहरीर में कि जिसे अगर जुमले में से निकाल भी दिया जाए, हजब भी कर दिया जाए, तो उस जुमले पर कोई फर्क न पड़े। अब ये देखिएगा इस्तेमाल इसका कि आपका बेटा दानिश बहुत मेहनती है, यानी दानिश को हमने वावैन इस कौसैन के अंदर इसलिए लिखा है कि दानिश को अगर निकाल भी दिया जाए जुमले से तो पूरा मतलब रहेगा आपका बेटा बहुत मेहनती है। अगली मिसाल भी देख लीजिएगा। इसके बाद आ गए वावैन। ये अलामत किसी की तहरीर का इक्तबास या किसी अहम शख्सियत के कॉल के शुरू और आखिर में लगाई जाती है। ये जरूरी नहीं है, यहाँ पे आप किसी का भी कॉल हो सकता है जी। यानी जब आपने हूबहू बात उसी तरह बयान करनी है जिस तरह उस शख्स ने बयान की है, तो आप क्या करेंगे, वावैन के अंदर उसे लिखेंगे। देखिएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज जन्नत की कुंजी है। अब नमाज जन्नत की कुंजी है, ये हदीस मुबारका है, इसलिए इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यानी वावैन के अंदर लिखा गया है। अच्छा जी, खत की अलामत। ये खत की अलामत जो है ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह कौसैन को हम इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात कौसैन के बजाय मोतरजा के दोनों तरफ ये अलामत लगाई जाती है। ये अलामत किसी इबारत में उस लफ्ज या जुमले के दोनों तरफ लगाते हैं जिसे असल इबारत से मुमताज करना मकसूद हो। अल्लाह के नेक बंदे रंज हो या राहत हर हाल में राजी रहते हैं। अब देखिए ना, अल्लाह के नेक बंदों के बारे में कहा जा रहा है भाई वो हर हाल में राजी रहते हैं, चाहे वो खुशी में हो चाहे वो गम में हो। तो हमने इसको मुमताज किया, सेपरेट किया, बताया है। लेकिन एक और चीज समझ लीजिए, अगर रंज हो या राहत को इसमें से निकाल कर पढ़ा जाए, देखिएगा अल्लाह के नेक बंदे हर हाल में राजी रहते हैं, इसका मतलब है जुमला बिल्कुल दुरुस्त है। सुखत की अलामत भी कौसैन की तरह काम करती है।